क्या कभी आपको आपके साथ घोटाला किया गया है? उससे आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला अब तक के सबसे बड़े जालसाजों में से एक है? मैं कैमी ऑटमैन हूँ। मैं साझा करूंगी कि मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी नकली से कैसे बचा जाए। बाइबल की भविष्यवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंध एवं भ्रष्टाचार, तेजी से बढ़ती विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में जलती हुई झाड़ियां, पूरे विश्व में क्या आने वाला है, एक चेतावनी है। इन सब का क्या मतलब है? भविष्य क्या में टिका हुआ है? खुला बाइबल भविष्यवाणियों में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी ऑटमैन से जुड़े। पूर्व विश्व में अपनी यात्रा करने के बाद वह वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आपके सम्मुख, लेकिन उनके बीच में उसे आशा के चमत्कार पाई है। खुली बाइबल भविष्यवाणियों के लिए कैमी ऑटमैन के साथ शामिल हो, इस तरह से बाइबल भविष्यवाणियों को बांट रही है जो पहले से कहीं अधिक तेजी से पूरा हो रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियों के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैंने आप में से हर एक के साथ साझा करने का बहुत आनंद उठाई हूँ। अब अगर यह आप पहली बार देख रहे हैं तो हमसे बातचीत में एक टिप्पणी दें। आपको सबको यह देखकर बहुत खुश हुआ होगा। अब यदि आप बाइबल शब्द के कार्यक्रम में शामिल नहीं थे तो चिंता ना करें, बस awr.org बाइबल पर जाएं और आप इसे अभिलेख में पाएंगे। कल रात हमने सपना देखा कि सब परमेश्वर का प्रामाणिक छाप है। आप सोच रहे होंगे कि फिर एक अलग दिन में इतनी आराधना क्यों होती है? आज रात आप इसका कारण जानकर चौंक जाएंगे। हाल ही में मैंने एक दूरदराज के द्वीप पर एक मूर्ति पूजक गांव के मुखिया से मिली, जो शब्द के बारे में सुनकर हैरान था। आपको ये सुनने के लिए इंतजार करना होगा कि उसने आगे क्या किया। याद रखें, आप हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिला लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लाखों लोगों ने अपने आध्यात्मिक विकास में इन पाठों को बहुत महत्वपूर्ण पाया है। आप हमारे सीधा प्रसारण ऑनलाइन पर एक प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। बाइबल के प्रशिक्षक वे आपके सवालों को सुनने के लिए उत्सुक हैं और आपको बाइबल से उत्तर प्रदान करेंगे। क्या आप किसी ऐसी चीज पर प्रार्थना करना चाहेंगे जिसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं? फिर अपना प्रार्थना अनुरोध करने के लिए नीचे क्लिक करें। चलिए अब एक साथ प्रार्थना करते हैं और फिर हमारे विषय में जाते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, कृपया हमें उस समय के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराएं जिससे हम रहते हैं, अपने दिमाग को चौखा करते हैं, तेरे सत्य को ग्रहण करने के लिए अपने दिल को खोलें और हमें अपने वचन से चेतावनी दे कि हमें क्या करना है, हमें इसे किस तरह संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु केवल आपका मार्ग और आपका अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं और यीशु के अनमोल शक्तिशाली नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने कभी गौर किया कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं रही होती जैसे वो दिखाई देती हैं? मकड़ी की कहानी पर विचार करते हैं। अरिस्तु ने मकड़ी को एक कीट के रूप में वर्गीकृत किया। कीड़े 6 पैर हैं, यह जानकारी था। किसी ने महान अरिस्तु से 1700 वर्षों तक पूछताछ नहीं किया। यह आमतौर पर माना जाता है कि मकड़ियाँ कीड़े थे और इसके लिए 6 पैर थे। यह जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था जिन्होंने कीटों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। वह 8 पैरों वाले मकड़ियों के रूप में मकड़ी है। महज इसलिए कि कुछ के बारे में माना जाता है कि वो सदियों से सच नहीं है। क्या यह हो सकता है कि इन लंबे विचारों में से एक परंपरा की तरह एक मसीही कलीसिया पतन हो गई हो? क्या यह संभव है कि कई लोगों ने सत्य के स्थान पर झूठ को स्वीकार कर लिया हो? आज बहुत कम लोग इस पर सवाल उठाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मसीह कलीसिया ने मनुष्य की परंपरा को ईश्वर की मांग को ढांक दी हो? एक परंपरा इतनी पुरानी कि लगभग कोई नहीं जानता कि यह कैसे शुरू हुआ। एक परंपरा लगभग सभी ईसाई स्वीकार करते, ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जब वास्तव में मनुष्य के विचारों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने बैठकों के लिए इस विषय को चुना है। मेरा मानना है यदि यह बाइबल में हो तो मैं विश्वास करूंगी। अगर यह बाइबल से असहमत है तो ये मेरे लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी करती है कि शैतान मसीह कलीसिया को गुमराह करने का प्रयास करेगा। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है कि वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरवाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। शैतान एक धोखेबाज है। उसका लक्ष्य परमेश्वर को उखाड़ फेंकना है। किसी भी सरकार की नींव उसके अधिकार और कानून बनाने की क्षमता में निहित है।
यदि आपके प्रजा आपके कानूनों का पालन करने से इनकार करते हैं तो वास्तव में अपने प्रजा के इनकार करते हैं। शैतान ने परमेश्वर की आज्ञा पर हमला किया, लेकिन उसके आज्ञा के केंद्र में सबका अधिकार है। इसलिए क्या यह तर्कसंगत नहीं कि शैतान नकली का मालिक सृष्टि के प्रतीक शब्द को चुनौती देकर सृष्टिकर्ता पर हमला करेगा? ईमानदार सच्चे मसीही और जिन्होंने परमेश्वर की अपनी उंगली से लिखी गई 10 आज्ञाओं को पढ़ा और चौथी आज्ञा को निर्गमन 20:8-10 में देखते हैं कि इसमें लिखा है कि तू पवित्र दिन को विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। जब वे पढ़ते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जिस चर्च में वो भाग ले रहे हैं 7वें दिन सत नहीं, वे पहले दिन रविवार पालन करते हैं। निश्चित रूप से नया नियम में पवित्र दिन को बदल दिया गया। अनोखे ढंग से पहला दिन, जिसका अर्थ रविवार है, उल्लेख कहीं भी प्रकाशित वाक्य में नहीं किया गया और अन्य नियम की पुस्तकों में केवल 8 बार उल्लेख मिलता है। इसलिए अगर लोगों को लगता है कि रविवार को पवित्र रखने की आज्ञा है तो हमें बाइबल के उन पद स्थलों में से एक को खोजना चाहिए जो पहले दिन की बात कर रहे हैं, है ना? चलिए पढ़ते हैं। रविवार को लाखों ईमानदार और विश्वास करने वाले ईसाई लोग आराधना करते हैं, इसलिए बाइबल इस विषय पर उत्सुकता से चुप क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि धरातल पर वास्तव में दिखने की तुलना में यहाँ बहुत कुछ शामिल है? हाँ, प्रकाशित वाक्य पुस्तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी उनमें से एक रविवार की आराधना का विषय शामिल है, लेकिन पहले इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के समझना असंभव होगा जब तक कि आज का विषय स्पष्ट नहीं हो जाता। बाइबल में सप्ताह के पहले दिन के बारे में केवल 8 बार नए नियम किताब में है। बाइबल में रविवार को हमेशा सप्ताह का पहला दिन कहा गया, शनिवार को हमेशा 7वें दिन कहा जाता है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के लिए सप्ताह के दिनों को चिन्हित करने के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि थे, 8 पस्तल। पवित्रशास्त्र में इस बात का मन में ध्यान रखते हुए कि इनमें से कोई भी शास्त्र सुझाव देता है कि पहले दिन को अपवित्र रखा जाना चाहिए या नहीं। 5 मरकुस 1:5-16-9 पर विचार करें। 1 मरकुस 16 उसके 9 पर विचार करें। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वजी उठने से पहले मरियम मगदलीनी को, जिससे उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। यहां हम देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन रविवार को यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। पूरे विश्व के ईसाई हर साल ईस्टर रविवार को अपना पुनरुत्थान मनाते हैं। 2 मत्ती 28:1 पर चलते हैं। सप्त के दिन, जहां यह यूं लिखा है, सप्त के दिन के 5 सप्ताह के पहले दिन पव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ध्यान दें कि सब यहां सब पहले समाप्त हो रहा है, फिर रविवार आता है। क्या यह हमें बताता है कि सप्ताह का पहला दिन अपवित्र है या नहीं? 3 यूहन्ना 20:1 सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ठीक है, चलो रुकें और सोचें। अब तक तीनों में से कोई भी एक पदस्थल सुझाव देता है कि पहला दिन अपवित्र माना जाना है या नहीं। 4 मरकुस 16:1-2 जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्त्रें मोल ली कि आकर उस पर मल लें, और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। हम जानते हैं कि यीशु को शुक्रवार शाम को सूली पर चढ़ाया गया था। शुक्रवार को हमेशा तैयारी का दिन कहा जाता था, लेकिन यह तैयारी के लिए था। परमेश्वर का पवित्र दिन शब्द का दिन शनिवार था। यीशु ने फिर सप्ताह के 7वें दिन शनिवार को विश्राम के दिन कब्र में विश्राम किया, और फिर यीशु सप्ताह के पहले दिन रविवार को जी उठे। रविवार यीशु के पुनरुत्थान का दिन है। लूका 24:1 परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। ठीक है, यहाँ शून्य निर्देश है। यहाँ रविवार परमेश्वर का पवित्र शब्द है। 5 यूहन्ना 20:19 उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वे वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कुछ लोग कहते हैं कि सप्ताह के पहले दिन रविवार को एक पवित्र दिन के रूप में शुरुआत करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुनरुत्थान के सम्मान में शिष्यों ने एक नए पवित्र दिन की शुरुआत नहीं किया हो सकता।
क्योंकि जब तक यीशु उनके बीच में प्रकट नहीं हुए उन्हें विश्वास करने से इनकार कर दिए कि वह जी उठा था। और वह यह मरकुस 16:14 में साबित होता है जब वो कहता है कि पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके विश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, अब तक ये 6 पद स्थल परमेश्वर के पवित्र स्थान पवित्र विश्राम दिन को पहले दिन रविवार में बदलने के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन हम देखते हैं हमारे पास 2 और पद स्थल है जो सप्ताह के पहले दिन का उल्लेख करते हैं। पाठ 7:1 कुरिन्थियों 16:1-2 अपवित्रों के लिए दान संग्रह के विषय में, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि आज्ञा में मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। दूसरा, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रखा छोड़े कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौरुष सप्ताह की शुरुआत में अपने लिए कुछ पैसे अलग करने के निर्देश दे रहा है, इसलिए वे इसे अपने सब दान के लिए तैयार रहेंगे। आप देखिए, पौलुस यरूशलेम के उस मसीहों के लिए धन इकट्ठा कर रहा था जो अकाल से पीड़ित थे, इसलिए उन्हें कलिसिया से केवल यात्रा करने के पहले लिखा। यह पूछे जाने पर कि प्रत्येक विश्वासी ने साप्ताहिक दान अलग करके रखे हैं, इसलिए जब वो आए तो तैयार रहे। ठीक है, पाठ 8 हमारा अंतिम पाठ, पीड़ितों के काम 20:7 सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। क्या यह पदस्थल रविवार को एक पवित्र दिन के रूप में मानने के लिए कहता है? यह 7वें दिन सबको पहले दिन बदल दिया गया? नहीं, इस प्रभु की बियारी में उन्होंने रोटी तोड़ी या प्रभु भोज की, अब यह दिन को कभी नहीं कहा गया। अब यह पवित्र दिन पवित्र था क्योंकि बाइबल कहती है कि उन्होंने हर दिन रोटी तोड़ी। पीड़ितों के काम 2:46 में कहा गया है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हमने अब नए नियम के सभी 8 पद स्थलों को देखा जो प्रथम दिन का उल्लेख करते हैं। आपने अब अपने लिए देखा कि किसी भी बदलाव का कोई संकेत नहीं था, तो आराधना के दिल में कैसे बदलाव आया? क्या दिनों में से एक नकली है? कोई ईमानदार मसीह लूका 4:16 में पढ़ते हैं कि यीशु वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपने रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 24:20 में कहा कि उन्होंने शिष्यों ने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 40 साल बाद शब्द रखा होगा जब उन्होंने कहा और प्रार्थना करो कि तुम जाड़े में या सब के दिन भागना ना पड़े। पीड़ितों के काम 13:42-44 में प्रेरित पौलुस ने 7वें दिन सब को बनाए रखने के लिए लगभग पूरे शहर को सिखाया। ईसाइयों ने जब प्रकाशित वाक्य 1:10 में पढ़ा कि प्रभु का एक दिन है, फिर वे लुका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 5 में पढ़ते हैं कि सब प्रभु का दिन है। उन्होंने मरकुस 2:27-28 और मत्ती 12:8 में फिर वही बात पढ़ी। वे उलझन में हैं और पूछते हैं कि बाइबल सबको किसने बदल दिया? खैर, निश्चित रूप से परमेश्वर नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मलाकी 3:6 में, मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं इसके लिए आभारी हूँ क्योंकि मैंने उसके वचन की आशा रखता हूँ जो कल आज और कल एक समान है। यह चीज मुझ पर परमेश्वर का अच्छा लगता है। तभी बाइबल को देखते हैं और देखते हैं कि यीशु ने सबको नहीं बदला, क्योंकि बाइबल इब्रानियों 13:8 में प्रतिज्ञा करती है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए परमेश्वर ने सबको नहीं बदला, यीशु ने सब के दिन नहीं बदला और चेले सब को नहीं बदल सकते थे। पीड़ितों के काम 5:29 तब 1700 पीड़ितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। तो सवाल यह है कि यह किसने किया? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 में वहां एक पशु जो समुद्र से बाहर निकलता है, कहां से बाहर निकलता है? समुद्र से बाहर निकलता है। यह अध्याय वह जगह है जहां हम पशु की छाप 666 के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दें कि पशु का वर्णन कैसे किया जाता है। अब दोस्तों, मुझे बस ये कहना है कि बाइबल में पशु राज्य और शक्तियां का प्रतीकात्मक है। वास्तविक जानवर नहीं जो समुद्र से बाहर आते हैं। ठीक है, सब ठीक है, यीशु हमें प्यार करता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे लिए उसका प्रेम पत्र है।
तो आइए इसे ध्यान पे रखते हुए पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 13:1, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहाँ एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ बाइबल में एक पशु है जो राजनीति या धार्मिक शक्ति या राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। उठने वाली यह शक्ति एक ईश्वर निंदा शक्ति है। यह उन अधिकारों और शक्तियों का दावा करता है जो केवल ईश्वर के हैं। यह जारी है। अब जिस जानवर को मैंने देखा वो चीता की तरह था, उसके पैर भालू की तरह थे और उसका मुंह शेर के मुंह की तरह था। अजगर ने अपनी शक्ति दी, उसका सिंहासन महान अधिकार। अजगर कौन है? शैतान। वह इस शक्ति को महान अधिकार के साथ ग्रहण करता है कि परमेश्वर की आज्ञा के स्थान पर अपने स्वयं की आज्ञा की घोषणा करें। पूरी दुनिया सुनती है। सब हमले की एक विशेष वस्तु बन गया। इस पशु को समझने के लिए हम दानियेल 7वें अध्याय की पुस्तक पर वापस जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 के रूप में यहाँ पर एक तरह का प्रतिलिपि विधान है। एक शेर, एक भालू, एक चीता और एक अजगर। दानियेल 7वें अध्याय प्रकाशित वाक्य 13 को प्रकाशन करने और पशु की छाप और 666 के पूरे विषय को समझने की कुंजी देता है। मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ कि उसने अपना वचन लिखा ताकि शुरुआत से अंत तक संगत हो, सब एक साथ जाता है। आप इसकी हर जरूरत है। आइए दानियेल 7:2-3 में देखें। दानियेल ने कहा कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। बाइबल की भविष्यवाणी की व्याख्या करने के लिए इस बिंदु पर गौर करें। दानियेल 7:17, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे। दानियेल 7:23, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर से होकर सब राज्यों में भिन्न होगा। इसलिए दानियेल 4 जानवरों को देखता है और 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियेल के दिन में शुरू होने वाली ये 4 विश्व शासित राज्य हमें समय की धारा के नीचे ले जाते हैं। यदि आप पहली रात के पहली प्रस्तुति में हमारे साथ थे तो आपको याद होगा कि हमने दानियेल 2 अध्याय में 4 राज्यों को देखा था। उन धातियों में से जो बाबुल, मादी, फारस, यूनान, रोम, विभाजित यूरोप को दर्शाता है। जानवरों की यह दर्शन दानियेल में दर्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होता है। यह विभाजित यूरोप के समय से एक शक्ति को प्रकाश में डालता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलने का प्रयास करेगा। आइए देखें कि बाइबल इन घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे करती है और यह स्पष्ट रूप से देखें कि इतिहास कैसे पुष्टि करता है कि वास्तव में क्या हुआ था। अब पहला पशु, दानियेल 7:14 कहता है कि पहला जंतु सिंह के समान था, उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उनके पंखों के पर नोचेगा और वह भूमि पर से उठा हुआ मनुष्य के नाई पाँव के पल गिड़क खड़ा किया जाए और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। ठीक है, जब पुरातत्व विज्ञान प्राचीन बेबुलोन के निर्माण स्थान के साथ इराक के खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने बाज के पंखों के साथ एक शेर की दीवारों पर खुदी तस्वीर पाया। प्राचीन दुनिया के में लोग जानते थे कि शेर बाबुल का प्रतीक था। फिर एक और राष्ट्र का उदय होना, बाबुल हमेशा हमेशा के लिए दुनिया पर राज नहीं करेगा। दानियेल 7:5 में मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर केवल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसुली थी और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। मादी और फारस के संयुक्त राज्यों में से बेबुलोन को उखा कर फेंका। मादी फारस का भालू एक तरफ खुद को उठाते हुए पहले बाबुल को उखाड़ फेंकने वाले लोगों को दर्शाता है, फिर मादी पर हावी हो जाता है, फिर बाबुल पर विजय प्राप्त करता है। मादी फारिस ने दुनिया पर विजय प्राप्त की तो इससे पहले बाबुल पर विजय प्राप्त की, फिर यह उत्तर की ओर गया और फिर लीडिया की विजय प्राप्त की, फिर दक्षिण की ओर मिस्र पर विजय प्राप्त की। ये तीनों देश बेबुलोन, लीडिया, मिस्र 3 पसरियों को दर्शाता है। बाइबल की भविष्यवाणी कितना सही है, क्या आप देख सकते हैं? मैं इसे पसंद करती हूं या करता हूं। तीसरा साम्राज्य दानियेल 7:6 में उदय होता है। इसके बाद मैंने दृष्टि की देखा कि चीते के समान एक और जंतु जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख थे और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया जिसे उदय होने की भविष्यवाणी दी गई कि यूनान तीसरा राष्ट्र बन गया। हम जानते हैं कि सबसे प्रमुख यूनान का नेता अलेक्जेंडर था। जब उसने पूरी दुनिया में जाना पहचाना तब उसका उम्र सिर्फ 30 साल का था और इतनी जल्दी। क्या आप देख सकते हैं कि यूनान के पंखों के साथ चीता के रूप में क्यों दर्शाया गया है? लेकिन 4 प्रमुख सिर क्या को दर्शाता है? जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई तब वो 33 वर्ष का था।
अधिकांश राजाओं के विपरीत अलेक्जेंडर की बेटी ने सिंहासन नहीं लिया। इसके बजाय उसने 4 सेनापतियों ने यूनान साम्राज्य को विभाजित किया और प्रत्येक ने शासन करने के भाग के लिए एक एक भाग लिया। इस प्रकार 4 सिंह वाला चीता। दोस्तों, आपके और मेरे लिए इन साम्राज्यों के उदय और पतन के भविष्यवाणी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, यह मायने रखता है, क्योंकि हमें अपने मामलों के बारे में पता होना चाहिए कि जब बाइबल चेतावनी देती कुछ होने वाला है तो विश्वास कर सकते हैं। हम मानते हैं कि ठीक वैसा ही होता है जैसा वो कहता है और समय पर सही होता है और परमेश्वर को उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम चेतावनी देता है हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें तैयार करने के लिए। आगे चलते हैं। बाइबल चौथे साम्राज्य का वर्णन करती है दानियल 7:7 में। इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की ओर देखा कि चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना बहुत सामर्थ्य है, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है, चुर चुर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतु में से भिन्न है और उसके 10 सिंह है। यह बहुत स्पष्ट है कि लोहे के दांतों वाला यह चौथा पशु रोम के लौव राज को दिखाता है। जब रोम ने पूरे विश्व में शासन कर रहा था, यह अवधि हमें मसीह के समय में ले जाती है। इस रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का विकास हुआ। बाइबल रोमन साम्राज्य के पतन का वर्णन करती है जो मूर्ति के पैर और चौथे पशु के सिंहों के प्रतीक में स्पष्ट रूप से है। दानियल 2 की मूर्ति में यूरोप को दर्शाने वाले लोहे की मिट्टी के पैर और पैर की उंगलियां थी। यहाँ चौथे पशु में 10 सिंह हैं। इतिहास से पता चलता है कि रोम को 10 मुख्य साम्राज्य से विभाजित किया गया। सबसे भयावह जिस समय यूरोप में बबरी जातियां कब्जा कर रहे थे, धार्मिक धर्म त्याग ने चर्च में प्रवेश किया और आराधना को लेकर संघर्ष हुआ और सब को बदल दिया। दानियल 7:8 में उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सिंह निकला और उसमें से केवल उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि सिंह में से मनुष्य की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। यूरोप में इन 10 सिंहों में से एक और शक्ति जो उदय होता है, एक छोटा सिंह जो कि सबसे अलग है। बाइबल हमें इस शक्ति को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रमाण देती है। सबसे पहले यह छोटा सा सिंह पहले 10 सिंहों के बीच में से आता है। इसलिए यदि 10 सिंह रोम के विभाजन है तो इस छोटे सिंह को पश्चिम रोम के भीतर आना चाहिए। मुझे माफ करना, पश्चिमी यूरोप यह छोटा सिंह एशिया, अफ्रीका या अमेरिका में नहीं आता। इसकी जड़ें यूरोपीय मिट्टी में है। दूसरी बार बाइबल कहती है कि यह छोटा सिंह 10 सिंहों के बाद उदय होता है। बाबुल, मादी, फारस, यूनान या रोम के दिनों में यह आ नहीं सकता। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उसे आना है, उस पर स्पष्ट है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत सारे अन्य सिद्धांत हैं जो बाइबल में से नहीं है। इसे रोम के पतन के बाद आना है। बाइबल ये भी कहती है कि इसे छोटे सिंह के में एक आदमी की तरह आंखें हैं। आंख ज्ञान को दर्शाता है, लेकिन यह मनुष्य की बुद्धि है, परमेश्वर की नहीं। यह एक मानव निर्मित धार्मिक व्यवस्था है जो मनुष्य की शिक्षाओं पर आधारित है, जो रोम से उदय होगा। ध्यान दीजिए कि बाइबल दानियल 7:24 में कहती है कि ये बाकी सभी की तुलना में अलग है। कहते हैं कि वो पहले से ही अलग होगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक राजनीतिक शक्ति नहीं है, एक धार्मिक शक्ति, एक धार्मिक राजनीतिक शक्ति भी। यह शक्ति क्या करेगी? यह परमेश्वर के मूल व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा। दानियल 7:25 भविष्यवाणी करता है और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल डालने की आशा करेगा। हो सकता है कि सब भी हो। क्या यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को बदलने का अधिकार होने का दावा मुकाबले परम प्रधान के खिलाफ किसी भी बड़े बोल के बारे में है? यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बोल रहा है, न कि महत्वपूर्ण राजनीतिक कानूनों के बारे में। दानियल 8:12 में हमें बताता है कि छोटा सिंह शक्तिशाली होगा और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। इससे पुराने रोमन साम्राज्य से बाहर आ रहा है। एक धार्मिक शक्ति का उदय हुआ। पहले यह छोटा होगा, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। यह परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने के अधिकार का दावा करने की अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। हमारे लिए इतिहास एक क्रमिक परिवर्तन है जो सप्त को रविवार में बदला गया। डॉक्टर जॉन एडी ने अपने बाइबल इंसाइक्लोपीडिया में इस बदलाव के आधार 561 पृष्ठ पर लिखी है। वह कहते हैं कि सप्त एक हिब्रू शब्द है जो विश्राम का प्रतीक है। सप्त का पहले दिन रविवार मूर्ति पूजकों द्वारा दिया गया नाम है। सप्त का पहला रविवार मूर्ति पूजकों द्वारा दिया गया एक नाम था, क्योंकि वह दिन था जिसमें सूर्य की पूजा करते थे।
मिस्र बाबुल फारस रोम के द्वारा सूर्य की उपासना स्वीकार की गई और प्रचलित हुई। यहाँ तक कि सप्ताह के दिन भी प्रवाहित हुई। इतिहास से पता चलता है कि यूनानियों और रोमियों सप्ताह के दिन ग्रहों के पिंडों के बाद में दिया गया। कई बार उसके देव देवताओं के नाम पुकारे गए। आइए देखें, रविवार सूर्य देवता का दिन, सोमवार चंद्र देव का दिन, मंगल का दिन युद्ध के देवता टुइया के लिए, मृतकों का वाहक बुधवार ओडिन का दिन, थौर गुरुवार गरज का देवता, शुक्रवार प्राय देवता के दिन प्रेम सौंदर्य और प्रजनन क्षमता बढ़ाने का, शनिवार फसल काटने और शनिग्रह का दिन। तो एक बार फिर पौराणिक कथाओं को आज के समाज में हमारे सोचने के तरीके में शामिल किया गया है। यह ध्यान रखते हुए कि बाइबल में दिनों की संख्याओं के आधार पर चिन्हित किया गया है, इस तरह हमारे पास पहला दिन है और सातवां दिन भी। यह पुराने नियम और नए नियम में है। परमेश्वर संख्याओं द्वारा दिनों का हवाला देता है। ठीक है, जब आप चौथवीं शताब्दी में आते हैं तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को सूर्य की पूजा करने की तीव्र भक्ति थी। यहाँ तक कि उनके द्वारा लगाए गए सिक्कों पर भी सूर्य देवता को ढाल दिया गया। लेकिन उन्हें एक दुविधा थी। रोम बिखर रहा था। कॉन्स्टेंटाइन ने अपने साम्राज्य को एकजुट करना चाहा। उन्होंने जो सोचा था एक शानदार विचार था। रविवार की आराधना के आसपास साम्राज्य को एकजुट क्यों ना करें। आप देखते हैं, कॉन्स्टेंटाइन ने एक लड़ाई से पहले सूरज को देखा और ऊपर प्रकाश का एक क्रूस देखा और उसके साथ यूनानी शब्दों का अर्थ इस चीन में जीत। कॉन्स्टेंटाइन ने अपने सैनिकों को ईसाई प्रतीक के साथ अपने ढाल को सजाने की आज्ञा दी और उसके बाद वे विजयी रहे। यहाँ पर सूर्य आराधना और ईसाई धर्म का मेल हुआ। कॉन्स्टेंटाइन का आदेश जारी किया गया 321 ईस्वी। कहा, सूर्य के सम्मानित दिन पर मजिस्ट्रेटों को, शहरों में रहने वाले लोगों को विश्राम करना है और सभी दुकानों को बंद कर दिया गया, सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए। साम्राज्य को एकजुट करने के प्रयास में कॉन्स्टेंटाइन ने पहला रविवार कानूनी जारी किया। कॉन्स्टेंटाइन ने के दिनों में उन्हें अपनी सेनाओं को एक नदी के माध्यम से नजदीक गया और फिर उन्हें बपतिस्मा दिया गया। वह सिर्फ कच्चे मूर्ति पूजकों का एक झुंड है। यहाँ चर्च और राज्य ने मूर्ति पूजकों को मसीह बनाने और समाज को एकजुट करने के प्रयास में राज्य को हाथ मिलाया। रोमन सरकार और रोमन चर्च एकजुट हुई। और यहाँ एक अद्भुत कथन है जो वास्तव में अविश्वसनीय है। मार्च 1994 से कैथोलिक जगत में पृष्ठ 809 पर है। हवाला मूर्ति पूजकों का सिद्धांत के अनुसार सूर्य एक सर्वोपरि देवता था। सच में कुछ राजकीय महान सूर्य के बारे में, न्याय का सूर्य यह यीशु का एक सही प्रतीक है, इसलिए इन देशों में चर्च दिखाई देता है। उस पुराने मूर्ति को मूर्ति पूजक के नाम रखें, यह पवित्र पूर्ण रहेगा। इस तरह नीरस पय रविवार को समर्पित है। पौराणिक सूर्य भगवान मसीहों का रविवार बन गया। क्या आप देखते हैं कि रविवार चर्च में कैसे आया? मसीह लोग उत्पीड़न से बचने के लिए कई वर्षों से यहूदियों को खुद को अलग करने के लिए कह रहे थे। रविवार को धीरे धीरे पुनरुत्थान, मसीह के पुरोत्थान और धीरे धीरे चर्च के अगुवों द्वारा जोड़ दिया जाने लगा, क्योंकि मूर्ति पूजक सूर्य की उपासना को अधिक आरामदेह बनाने के लिए रविवार को बाइबल शब्द के स्थान पर पालन करने लगे। कॉन्स्टेंटाइन अपने साम्राज्य को एकजुट करना चाहते थे और रोमन रज के अगवे नेति पूजक राम में बदलना चाहते थे, तो रविवार दोनों को पूरा करने के लिए वाहन बन गया। बाइबल शब्द को रोमन चर्च के राज्य द्वारा बदल दिया गया। परमेश्वर ने नहीं बदला, शिष्यों ने नहीं बदला। आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि 20 करोड़ से अधिक यहूदी एक दिन जाग उठे और भूल गए कि सप्ताह का दिन कौन सा था। एक राष्ट्र के रूप में वे निर्गमन से पहले शनिवार को सातवें दिन सप्त पालन कर रहे थे। कैथोलिक चर्च काउंसिल ऑफ लडिसिया बाइबल सब पालन पहली बार मना करने का रिकॉर्ड मिलता है। एक रोमन कैथोलिक बिशप लॉडिसिया परिषद की बैठक में मिला, जो 325 ईस्वी में क्या हुआ उसे देखते हैं। हवाला ईसाई यहूदी धर्मवादी नहीं होंगे, अर्थात वे सब पालन नहीं करेंगे और शनिवार को निष्क्रिय रहेंगे, लेकिन प्रभु का दिन विशेष रूप से सम्मान करेंगे। और ईसाई होने के नाते यदि संभव हो तो उस दिन कोई काम नहीं करेंगे। यदि हालांकि वह यहूदी धर्मावली पाए जाते हैं और मसीह से बाहर हो जाएंगे। अंतिम हवाला इसलिए कि यहाँ एक चर्च परिषद है और कॉन्स्टेंटाइन के तहत रोमन सरकार के साथ एकजुट होती है और कहती है कि हम सब के अधिकार को रविवार का स्थानांतरित कर रहे हैं। इस तरह साम्राज्य को एकजुट करें और यहूदियों से करें। हालांकि ऐसा करने पर भी अनजान में दानियल
25 में दानिल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे और समय और व्यवस्था के बदले देने की आशा करते हैं। ये कहते हैं कि एक सांसारिक शक्ति रोम से बाहर खड़ी है परमेश्वर के आज्ञा को बदलने का प्रयास। परमेश्वर कहता है खबरदार, अब चलो रोमन कैथोलिक निर्देश के मार्गदर्शक के धर्मांतरण पर जाए और सब्त के बदलने के बारे में उनका उत्तर पढ़े। यह बहुत स्पष्ट है दोस्तों। सवाल, सब्त का दिन कौन सा है? उत्तर, शनिवार का दिन। सवाल, हम सब्त के बजाय रविवार का पालन क्यों करते हैं? उत्तर, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने शनिवार से रविवार में तबादला किया। अब मैं इन्हें करना चाहूंगी, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आपको यह बताना महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सारे विषयों को संबोधित करेंगे। मैं अलग अलग ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दूंगी जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं है बल्कि भविष्यवाणियों को पूरा करने को दिखाना है। मेरा मानना है कि रोमन कैथोलिक धर्म में कोई पुजारी वफादार विश्वासी है जो अपनी क्षमता के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं और ईश्वर द्वारा उनके संतानों के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ दी गई जानकारी केवल प्रणाली के निर्देश देते हैं। रोमन कैथोलिक प्रणाली जिसमें कई सिद्धांत हैं जो हम देखते हैं स्पष्ट रूप से बाइबल के खिलाफ जाते हैं और सत्य को खोजने वालों के सामने यह मेरी निष्ठावान इच्छा है कि परमेश्वर के स्पष्ट वचन को सामने रखना। इससे आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि सत्य क्या है, त्रुटि क्या है, ठीक है क्या। आप जानते हैं कैथोलिक चर्च ने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को संशोधित किया है। चलो उनके स्वयं के दस्तावेज कैथोलिक विश्वकूट खंड 4 पृष्ठ 153 पर जाए। हवाला ये कहता है कि सप्ताह के सातवें दिन यहूदी सब्त के दिन विश्राम के दिन को बदलने के लिए चर्च प्रभु के दिन के रूप में पहली तीसरी आज्ञा रविवार को पवित्र रखने के रूप में वर्णन करती है। अंतिम हवाला, कैथोलिक विश्वकूट कहता है कि समय से संबंधित आज्ञाओं को चर्च द्वारा बदल दिया गया। वैसे कुछ ने इस कथन पर दिया होगा तीसरी आज्ञा हवाला देता है, लेकिन हम पहले बाइबल में अपनी आंखों से देख चुके हैं कि सप्त का दिन कौन सा है? चौथा। सब चौथा आज्ञा है। मध्ययुग की रोमन शक्ति ने एक मनाही मूर्ति, संत की मूर्ति आराधना की जगह पर दूसरी आज्ञा को हटाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को बदल दिया। ऐसा चूंकि उसके पास अब केवल 9 आज्ञा थी इसलिए उसने वापस 10 बनाया गया। इसलिए उसने 10वें के स्थान पर तुम लालच न करना को ले लिया और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस तरह सम्मान किया गया। कलीसिया की मानसिकता पर यह उदाहरण परमेश्वर के वचन को पछाड़ दिया गया। कार्ल केर्टिक विख्यात कैथोलिक विज्ञानी ने प्रोटेस्टेंट की चुनौती के लिए एक पुस्तक लिखी। यह कैथोलिक लेखक प्रोटेस्टेंट के साथ तर्क रहा था, यदि आप बाइबल के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको बाइबल शब्द पालन करना चाहिए। आइए उनके शब्दों को कैथोलिकवाद और मौलिकतावाद पृष्ठ 38 पर पढ़ें। हवाला, कट्टरपंथी रविवार को आराधना करने के लिए मिलते हैं जिसका अभी तक बाइबल में कोई सबूत नहीं मिलता कि रविवार को एक आराधना की जानी चाहिए। यहूदी सब्त का दिन या विश्राम का दिन बेशक शनिवार था, यह कैथोलिक चर्च था जिसने निर्णय लिया पुरुत्थान के सम्मान में रविवार ईसाइयों के लिए आराधना के दिन होना चाहिए। अंतिम हवाला, दूसरे शब्दों में यदि बाइबल के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि आपको कैथोलिक चर्च में वापस जाना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलने का अधिकार का दावा करता है। क्योंकि यह उपयुक्त दिखता है, खैर एक मिनट प्रतीक्षा करें। परमेश्वर उसे या उसके वचन के साथ खिलवाड़ करने के बारे में स्पष्ट चेतावनी देता है प्रकाशित वाक्य 22:18-19 में। हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। 19वां पद में बाइबल क्या कहती है? यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कोई निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। दोस्तों, इसके बाद मत्ती 15:3-9 में उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। 4 में हम पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये चौथी आज्ञा थी, जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाएगा। 5वीं आज्ञा क्या थी? तुम कहते हो कि यदि तुम कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है तो वो अपने पिता का आदर ना करे तो तुम अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिए। हे कपटियों, यशया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तेरा आदर करते हैं पर उनका काम मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को
धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। रविवार की पवित्रता परंपरा और मनुष्यों की आज्ञाओं से आई है। आप कितना अनुसरण करेंगे, परमेश्वर या मनुष्य? एक दिन बनाम दूसरे दिन, मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा यह है कि आपका मार्गदर्शक क्या है, क्या यह बाइबिल है या परंपरा है। मुद्दा यह है कि कोई मानव कलीसिया का मानव धार्मिक अगवा जो कि कारण या मकसद के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलने का अधिकार नहीं है और पत्थर की पट्टियों पर अपनी उंगली से लिखा गया था, ये सभी के बारे में किसके पास अधिकार है? हम किसकी आराधना करते हैं? शैतान का विद्रोह आराधना के इर्द गिर्द घूमता है। यह सही या गलत का विषय और यह उत्पत्ति से शुरू हुआ। कैन और हाबिल की कहानी आप जानते हैं। कैन और हाबिल की कहानी दो प्रकार के लोगों को दर्शाता है जो जीवन में दो अलग अलग मार्गों में चलते हैं। एक ने परमेश्वर के बताए अनुसार आराधना की और एक ने निश्चित रूप से नहीं की। परमेश्वर ने किसको आशीर्वाद दिया और किसको स्वीकारा? किसके गर्व का कारण हत्या थी और परमेश्वर द्वारा श्राप दिया गया? जब कैन और हाबिल को एक ही माता पिता के द्वारा पाले गए, तब ये परमेश्वर उसके अधिकार के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखें। यह वह जगह है जहां से उनके रास्ते अलग हुए। हाबिल ने परमेश्वर की दया को उसकी तरह उस तरह से देखा जिस तरह से सृष्टिकर्ता ने मानव जाति के छुटकारे के लिए प्रदान किया, लेकिन कैन ने अपने हृदय में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। परमेश्वर के सामने उसके बलिदान तब तक नहीं लाए, अंतर स्पष्ट नहीं हुआ। कैन और हाबिल के बीच का घटना वास्तव में कैन और स्वयं के बीच संघर्ष के बारे में है। हालांकि कैन को लौटने का मौका दिया गया था, उसने अपने हठीले अभिमान से और अधिक कसकर जकड़ा गया परमेश्वर से और अधिक दूर चला गया। उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना बेचनी नहीं है, यह एक उपहार है। मानव हृदय जब यह स्वयं के गर्व से और परंपरा से जुड़ा होता है, तब विनाश की पहाड़ी ढलान पर ठोकर खाता है। परमेश्वर लगातार विद्रोह करने वालों तक लोगों तक पहुंचते हैं जो उन्हें एक लौटने एक पश्चाताप करने का अवसर देते हैं। आप एक विजेता पैदा नहीं हुए हैं, आप एक हारे हुए पैदा नहीं हुए हैं, आप एक चुनने वाले पैदा हुए हैं। आप इस दिन को चुने जिसमें आप सेवा करेंगे। अक्सर शैतान की रणनीति मुझे सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा करने या तोड़ने का कारण बनती है। याकूब 2:10-12 हमें बताता है कि कोई जो कि सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। परमेश्वर की आज्ञा 10 पक्षीय किले की तरह है। दुश्मन को घुसने की अनुमति देने के लिए केवल एक सिरा टूटने की आवश्यकता है। शैतान को 1 इंच देने से वह आपका शासक बन गया। परमेश्वर द्वारा दिए गए बाइबल सब को छोड़ देंगे जो उसके रचनात्मक अधिकार का चिन्ह के रूप में है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को दिया। मैं उसे पालन करने के लिए चुनता हूँ। मैं स्वयं मसीह के उदाहरण का पालन करना चाहता हूँ। आपके बारे में क्या है? परमेश्वर कहता है कि सब एक महान चिन्ह है। यह मसीह के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। यह ऐसा चिन्ह है जिसे हम मानते हैं कि हमारी दुनिया को बनाया है। अदन के बगीचे में शैतान ने हवा से कहा कि क्या पेड़ से फर्क पड़ता है? सभी पेड़ एक जैसे हैं और हवा ने अदन को खो दिया क्योंकि उसने वह छूट खरीदी थी। और कई ईसाई आज धोखे में खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, सभी दिन एक जैसे होते हैं। परमेश्वर के साथ सभी दिन एक जैसे नहीं होते दोस्तों। एक दिन परमेश्वर द्वारा आशीर्वाद दिया गया 7वां दिन था। एक दिन परमेश्वर द्वारा पवित्र किया गया एक तरफ निर्धारित किया गया था और परमेश्वर ने विश्राम किया केवल एक दिन सब्बत। जिन मुद्दों से हम निपट रहे हैं वे अधिकार के मुद्दे हैं, आज्ञाकारिता के मुद्दे हैं, हमारी पसंद है, बाइबल या परंपरा, यीशु का धार्मिक अगुवा, परमेश्वर की आज्ञा या मनुष्य के सिद्धांत, परमेश्वर का निर्देश, मनुष्य शिक्षा, बाइबल का रास्ता या मनुष्य का रास्ता। इसका मतलब कि हर कोई रविवार पालन करता वो खो गया है? नहीं, कई रविवार पालन करने वाले मसीह हैं जो यीशु से प्रेम रखते हैं। हर कोई जो रविवार पालन करता है वो खो नहीं जाता। वे सभी जितना प्रकाश मिला है उसके अनुसार जीवन व्यापन करते हैं। अंतर यह है कि जो जब अधिक सीखते हैं तो क्या वे इसका पालन करने के लिए तैयार हैं? परफेक्टो पर मैं ये सोचती हूँ कि फिलीपींस के मिंडोरो में एक पहाड़ी उस गांव में जहाँ एक प्रभावशाली मूर्ति पूजक ग्राम प्रधान रहता था। आप देखें आध्यात्मिक
वाद और स्थानीय विद्या उसके जीवन का मार्ग था। कभी कभी लोग गांव का दौरा करते और उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करते, लेकिन वे जो कहते उनके अनुसार चलना बिल्कुल अलग था और भ्रम में उसे अप्रसन्न कर दिया। वो उनसे कहता, चले आओ और तब तक बेशकीमत लीन और अपने रेडियो में विश्राम पाता, क्योंकि केवल एक स्टेशन से सुना, क्योंकि उसने संगीत बजाया और उसे पसंद था। एक दिन जब उसका पसंदीदा गाना खत्म हो गया तो एक नया कार्यक्रम आया जिस पर उसका ध्यान आकर्षित किया गया। प्रसारणकर्ता सातवें दिन को सच्चा विश्राम दिन के रूप में बताया। यह उसके लिए नया था, दूसरे हिस्से आए उन्हें जो करते थे अलग था। खुशी से अपने गांव में रविवार पालन करने वाले के पास गया और उन्हें बताया कि वो गलत दिन पर आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उसने रेडियो पर सुना था। वो आश्चर्यचकित रह गया जब इन लोगों ने कुछ साझा किया, वास्तविक रुचि दिखाई। उसके बाद उसने रेडियो को सुनने के लिए पूरे गांव को एक साथ बुलाया। सभी को कार्यक्रम पसंद आया। अगले दिन सब इकट्ठा हुए अधिक सुनने की उम्मीद से, कार्यक्रम के आने पर आनंदित हुए। परफेक्टो ने को यकीन हो गया कि अब जो सुन रहा था वो सच है। उन्होंने रेडियो प्रसारणकर्ता की तलाश की, उन्हें बताया कि पूरा गांव बपतिस्मा लेना चाहता है और उनमें से सभी 77 हैं। बाइबल की सच्चाई केवल उनके जीवन को नहीं बदला दोस्तों, बल्कि उनके पूरे गांव को के जीवन को बदल दिया। मैं परफेक्टो को पानी के बाहर आते हुए और बपतिस्मा में यीशु के सामने हाथ उठाते हुए देखना कभी नहीं भूल सकती, जहां तो 1400 अन्य आत्माओं ने मसीह के लिए अपना जीवन देने में अपना उनका साथ दिया। प्रकाशित वाक्य 14:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास ऐसे लोगों का एक समूह होगा दोस्तों, जो यीशु से प्रेम करते हैं। वे इसे इतना प्रेम करते हैं कि हर कीमत पर उसका पालन करते हैं। एक महिला की तरह जिसके पास झील में बपतिस्मा स्थल के लिए अपना रास्ता बनाया, उसने इस तरह भविष्यवाणी की कि बैठकों में भाग लिया था। उसके पति उसकी उपस्थिति से असहमत था, इसलिए जिस दिन उसे बपतिस्मा लिया उस दिन वह घर छोड़कर चली गई। सफेद बागे उसके पति ने चुपके से उसका पीछा किया। उसने एक छुरा पकड़ा और उसे अपनी पीठ के पीछे रखा। पादरी लोगों को पानी में प्रवेश करने के लिए बुला रहा था। कौन बुला रहा था? पादरी। किसको बुला रहा था? लोगों को पानी में प्रवेश करने के लिए बुला रहा था। और जैसे ही उसने अपना रास्ता बनाया, उसके पति ने उसे अचानक रोक दिया और धमकी दी कि वह बेहतर इस कदम नहीं उठाएगा या वह अंतिम होगा, क्योंकि उसने धीरे से चाकू को उसके पीछे रख दिया था। जब तक पानी उसके घुटनों तक पहुंचता रहा, फिर उसके घुटनों तक पहुंचते रहे और वह फुसफुसाया, यीशु को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में लेने से मुझे कोई रुक नहीं पाएगा। उसने अकार्मक रूप से उसे चुनौती दी, कोई और कदम नहीं, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैं अपने आप को यीशु को देती हूँ, मैं अपने आप को यीशु को देती हूँ, मैंने सच्चाई सीखी और पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आंखों में आंसू गिनने लगे। उसने जो नहीं देखा वो आंसू गिर रहे थे। अपने पति की आंखों से अचानक चुप हो गई, जैसा कि सभी लोग देख रहे थे। पति ने इसे छोड़ने के लिए केवल अपना चाकू उठाया और घोषणा की, अगर आप इस यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी जानना चाहता हूं, मित्र क्या आप यीशु का पीछा करने के लिए तैयार हैं? पति ने घोषणा की, अगर आप यीशु को अपनी जान देने के लिए तैयार हैं तो मैं जानना चाहता हूं, मित्र क्या यीशु का पीछा करने के लिए तैयार हैं? कभी यीशु परिणामों की परवाह किए बिना जाता है। आओ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सत्य पुकार रहा है, हम तुझ पर यीशु की दया और शक्ति के लिए रोते हैं। हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें समझ और विवेक का उपहार दे, क्योंकि हम अनमोल शक्तिशाली नाम में
प्रत्येक श्रोता को आज रात आशीर्वाद दे। अपनी आत्मा को खोने के लायक इस दुनिया में कुछ नहीं है। बाइबल के हर एक सच्चाई का पालन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की रक्षा करें। आप हमें अपने पवित्र वचन में बताते हैं, यीशु के अनमोल और शक्तिशाली नाम में प्रत्येक श्रोता को आज रात आशीर्वाद दें। आमीन। इससे पहले कि आज रात को समाप्त करें दोस्तों, मैं आपको हमारे द्वारा सुनाए गए संदेश का जवाब देने का अवसर देना चाहूंगी। बाइबल सत्य का विषय मेरे लिए स्पष्ट है, अगर आप सहमत हैं तो उस पर क्लिक करें। दूसरा, मैं समझती हूं कि बाइबल सप्ताह का सातवां दिन है। तीसरा, मैं मानती हूं और जानना चाहती हूं कि सप्ताह का सातवां दिन सप्ताह का दिन है। परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा पवित्र आज्ञा और मैं सप्ताह के दिन को पवित्र रखना चाहती हूं। चौथा, मैं सप्ताह के बारे में अधिक सामग्री चाहूंगा। और फिर अंतिम, आप में से कुछ पहले से ही कुछ बारे में पूछ रहे हैं, मैं बपतिस्मा लेना चाहूंगी। ऐसा करने के लिए प्रक्रिया शुरू करूंगी, बस आगे बढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, अभी आपके पास मौजूद किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम या आपके पास प्रार्थना करने के लोग खड़े हैं। कनेक्ट होने के लिए बस लिंक पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आप इस महत्वपूर्ण विषय के लिए कल रात मुझसे जुड़ेंगे, जिसे आप यदि याद नहीं करना चाहेंगे। जब आप मरते हैं तो बाइबल क्या कहती है, आप पा सकते हैं। यह बहुत से लोगों को लगता है इससे अलग। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपको हमारे विषय में कब्र, जहां हम अधिक बाइबल की भविष्यवाणी को खुलते हुए देखेंगे, परमेश्वर का रास्ता चुने। शुभ रात्रि दोस्तों।